नमस्कार, SGC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अथवा अवधारणा, या इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, संशोधन की शक्ति पर परिसीमा का अध्ययन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि भारत में ही पहली बार इसका प्रयोग किया गया। भारत से पहले इसका प्रयोग सबसे पहले जर्मनी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीमर कहा जाता है सबसे पहले, या वाइमर के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले वहां प्रयोग किया गया। लेकिन उसे इस नाम से नहीं बुलाया जाता था, बल्कि उसे कहा जाता था बेसिक लॉ। दूसरी बार इस सिद्धांत का प्रयोग अमेरिका में हुआ। अमेरिका में भी इसे बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि वहां इसे कहा जाता है बेसिक स्प्रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि ये सिद्धांत सर्वप्रथम भारत में यूज नहीं हुआ, बल्कि इसके पहले जर्मनी और अमेरिका दोनों जगहों पर इसका प्रयोग हो चुका था। बस नाम में भिन्नता थी। और संविधान किसी भी देश का मौलिक विधि होती है, वह निर्धारित करती है कि उस देश का जो प्रशासन और सरकार का स्वरूप क्या होगा। इसलिए संविधान में संशोधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आता है कि संविधान में संशोधन किस सीमा तक और कहां तक किया जा सकता है। भारत में इसके संबंध में जो विवाद की उत्पत्ति हुई, वो संविधान के लागू होने के साथ ही हो गई थी। तो मूल संरचना की अवधारणा के प्रादुर्भाव की अगर हम बात करें कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ, तो सबसे पहले जो विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद ये था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। इससे संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण मामला सामने आया, वो था संकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 में। पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार था। जिसे अंततः 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधन 1978 के द्वारा रद्द या समाप्त कर दिया गया। लेकिन 51 में ये एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार मौजूद था, और सरकार ने नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 46 में लोगों को SC ST और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो सरकार ने संपत्ति के अधिकार में कटौती करने का प्रयास किया, और इसी को आधार बनाकर संकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मुकदमे को दाखिल किया गया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। दूसरी बात कही गई कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। अतः संसद संविधान में संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित, संक्षिप्त अथवा समाप्त कर सकती है, ऐसा मानना था सुप्रीम कोर्ट का कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 जो यह उपबंध करता है कि कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन करती हो,
लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह स्थिति बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रही और दूसरा महत्वपूर्ण मुकदमा आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 9वीं अनुसूची से संबंधित था 1964 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी कि संसद मौल। अब यहां आकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। जो उसका एक पलटने का कारण यह भी था कि उस समय भारतीय राजनीति में जो हमारे राजनेता थे वो संविधान संशोधन को अपने हित में यूज कर रहे थे, संविधान संशोधन को अपने हित में यूज कर रहे थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट आहत थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर इसी तरीके से छूट दिया जाता रहा तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जिन समस्याओं से लड़ते हुए जिस स्वतंत्रता के लिए हमने इतने बलिदान और इतना त्याग किया वो भी संकट में आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना किसी मूल अधिकार को वापस ले सकती है, अर्थात संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के ये अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत यह एक कानून है, अतः किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। शंकरी प्रसाद, पीछे हमने देखा कि शंकरी प्रसाद के मामले में जो उसने कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वास्तव में विधि नहीं है बल्कि विधि में परिवर्तन है, इसलिए संशोधन की कोई समस्या नहीं है, उसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन एक कानून है, अतः अनुच्छेद 13 जैसा प्रतिपादित करता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है, यदि किया जाता है तो वह कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब चूंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को विधि मान लिया गया, अतः यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया कि संसद मौलिक अधिकारों में अब संशोधन करके परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि मूलभूत, ये तो पहले की स्थितियां थी, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह मुकदमा आया, और केशवानंद भारती जो थे ये एक मठ के पुजारी थे और इनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर रही थी, तो ये उसका मुकदमा लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और इन्होंने 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक या उसकी संवैधानिकता या उसकी विधि मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जब यह मुकदमा आया तो उसमें इस मुकदमे के द्वारा मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को जो संशोधन की शक्ति प्राप्त है उसकी सीमा क्या है, संसद कहां तक संशोधन कर सकती है। इस मुकदमे के पहले राज्य या अथवा हम कहें सरकार और न्यायपालिका में एक संघर्ष की स्थिति बन गई थी।
सरकारें लगातार संविधान में 17वां संवैधानिक संशोधन हुआ, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 25वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इन बहुत सारे संशोधनों के द्वारा सरकार लगातार यह स्थापित करने का प्रयास कर रही थी कि बहुमत के आधार पर हम संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। संसद को यह संविधान के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, न्यायालय इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। 24वें संवैधानिक संशोधन में यही कहा गया कि जो नीति निदेशक तत्वों या एससी एसटी के आरक्षण या जो पिछड़ा वर्ग है उनके विकास के लिए अगर सरकार कोई कार्य करती है, खास तौर से उसमें कहा गया 39 अनुच्छेद 39 बी और सी के अंतर्गत अगर कोई सरकार कोई कदम उठाती है या कोई परिवर्तन करती है संविधान में, तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस सिद्धांत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसी में सब क्लास 2 जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे क्लाज को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार किया, आप कहें कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने बिला वजह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और यह मान लिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया के साथ साथ संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है और सरकार जितना चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह असीमित नहीं है। तो इस पर प्रतिबंध क्या है? इस पर जो प्रतिबंध आरोपित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह कहा गया कि सरकार संसद संविधान में कहीं भी कितना भी संशोधन कर सकती है, लेकिन लेकिन वह संविधान की मूल भावना, संविधान की मूल भावना या मूल तत्व जिसे मूलभूत ढांचे के रूप में मूलभूत ढांचे के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने नामित किया कि संविधान में आप कहीं भी कितना भी कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि आपको संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 368 प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति भी आपको प्रदान करता है, लेकिन आप संविधान की मूल भावना या मूल तत्व जिसे संविधान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में कहा आधारभूत ढांचे के नाम से पुकारा गया या मूलभूत ढांचे के नाम से पुकारा गया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एक आज तक की सबसे बड़ी पीठ, 13 न्यायमूर्तियों की पीठ गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की, जिसे संविधानिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रश्न पर कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है उसकी सीमा क्या है, इस पर चर्चा न्याय देने के लिए 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। न्यायालय ने 7-6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने में पर्याप्त व्यापक है, किंतु वह असीमित नहीं है, किंतु वह असीमित नहीं है। संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इस सिद्धांत के आधार पर प्रथम विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में दिया गया और इसके
जब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो सरकार ने यह पूछा कि मूलभूत ढांचे के अंदर, मूलभूत ढांचे के अंदर के अंतर्गत कौन से तत्व सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं, अर्थात हम किसको आधारभूत ढांचा मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समय और परिस्थितियों तथा आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार कोर्ट अलग अलग समय में इस पर इसको बताती रहेगी कि संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से मामले सम्मिलित हैं। तो इस पर चूंकि पहला जो मुकदमा आया इस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के बाद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, निर्णय दिया, वह मुकदमा था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण सिंह। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार का यह पूछना था कि संवैधानिक संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक तत्व हम किसे मानेंगे, कौन कौन से तत्व हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो अपने पहले भी निश्चय में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण के केस में कहा कि विधि का शासन आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, तथा लोकतंत्र जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है वह भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है, अतः सरकार या संसद संशोधन द्वारा इनमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, परिवर्तन नहीं कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण मुकदमा आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का 1980 में। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति यह आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है, अतः संसद को इसे असीमित समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण दूसरा तथ्य था वो था कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य, और यह सामंजस्य स्थापित करना भी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है, अर्थात एक के लिए दूसरे को हम नहीं छोड़ सकते। वामन राव बनाम भारत संघ का एक महत्वपूर्ण मुकदमा आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसे संविधान संशोधन द्वारा भी अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें इसी मुकदमे में न्यायपालिका ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि आधारभूत ढांचा वास्तव में संविधान के प्रावधानों में ही निष्कर्षित आधारित यानी कि फाउंडेशनल है, सिद्धांत फाउंडेशनल सिद्धांतों का समूह है, यह न्यायपालिका द्वारा अपनी ओर से काल्पनिक सिद्धांत नहीं है जो थोपा जा रहा है, बल्कि यह हमारे संविधान की मूल भावनाओं में अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अथवा जो अवधारणा है इसका प्रारंभ सबसे पहले जर्मनी में, जिसे उन्होंने बेसिक लॉ के नाम से पुकारा, उसके बाद अमेरिका में जिसे बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, और उसके बाद भारत में जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ये पहले से चली आ रही एक अवधारणा थी जिसका पालन हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो हम पुनः एक बार बात कर लेते हैं कि मूल संरचना की अवधारणा का प्रादुर्भाव संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है,
इस विवाद के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें पहला मुकदमा शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का आता है, जिसमें कोर्ट ने यह मान लिया कि आपको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संसद संविधान संशोधन कर सकती है, इसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सामान्य विधि या जनरल लॉ के रूप में नहीं देखा जाएगा। दूसरा मुकदमा इसके बाद 1967 में आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। इस मामले में कोर्ट ने अपनी बात को पूर्णतया पलट दिया और कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन या संविधान में कितना भी संशोधन करने की संसद की शक्ति नहीं है, बल्कि संसद की यह शक्ति सीमित है, संयमित है और मर्यादित है। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को विधि माना जाएगा और यदि इसे मौलिक अधिकारों या संविधान के, उस समय तक मौलिक अधिकार ही थे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। उसके बाद महत्वपूर्ण मुकदमा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आया 1973 में, जो 24वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित या आप कहें मध्य मार्ग को अपनाते हुए या प्रतिपादित किया कि संसद को संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, लेकिन अपवाद है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह समय समय पर और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित किया जाएगा कि संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। उन्होंने अलग अलग मुकदमों में, ये आपका उदाहरण स्वरूप कुछ मुकदमों में उनके, उन्होंने जो निर्धारित किया कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये लगातार बढ़ते चले गए हैं और आज भी इनके लगातार बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।